Good morning, students. Welcome to TGS e-learning platform. So how are you all? I hope you all must be fine and good. So today I am here to teach class 4 Hindi language, that is Vyakaran. So take out your books and stationery and open page number 52, lesson number 11. In the previous videos, you must have been taught till lesson number 10. Now today I will teach you lesson number 11, that is Viram Chinh punctuations. So students, पहले हम समझेंगे कि विराम चिन्ह क्या होता है. जैसे कि विराम का अर्थ जो होता है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है रुकना, राइट. तो जब हम कोई चीज़ बोलते हैं, अपनी बात बोलते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो उसमें हम कहीं ना कहीं रुकते हैं, राइट. कुछ ना कुछ जैसे प्रश्न है या कुछ भी है तो कहीं ना कहीं रुकते हैं, तो जो वहाँ पे चिन्ह लगते हैं वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह. अब आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा. विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना. बोलते समय अपनी बात को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए बीच बीच में हम रुकते हैं. ये रुकावट कभी बहुत कम होती है, कभी कुछ अधिक. प्रश्न पूछने, विस्मय व्यक्त करने आदि स्थितियों में हमारे बोलने का तरीका अलग अलग होता है. लिखित भाषा में इन सब स्थितियों को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं. इन्हीं चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं. अब है आपका, देखिए यहाँ पे बताया गया. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे विराम चिन्ह की परिभाषा क्या होती है. विराम चिन्ह पंक्चुएशन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, बोलते समय वाणी में आने वाले ठहराव तथा प्रश्न, विस्मय आदि को व्यक्त करने के लिए लिखित भाषा में बनाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं. ये परिभाषा है जो आपको अंडरलाइन भी करनी है, आपको लर्न भी करनी है. विराम चिन्हों के सही प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है तथा भाषा की शुद्धता बनी रहती है, किंतु गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ होने की आशंका बनी रहती है. अगर हम लोग विराम चिन्ह का गलत प्रयोग करें, जैसे कहीं पे कॉमा हमें लगाना है वहाँ, उसकी बजाय हम कहीं और कॉमा लगा दें तो उस सेंटेंस का, उस वाक्य का पूरा अर्थ ही बदल जाता है. अभी हम आगे की पढ़ेंगे. एक उदाहरण देखो. रोको मत, रोको के बाद कॉमा है, देखिए रोको मत जाने दो. रोकने का भाव व्यक्त हो रहा है. अब क्या है, रोको मत जाने दो, जाने देंगे का भाव व्यक्त हो रहा है. तो दोनों की क्या है, दोनों की आपकी यहाँ पे मीनिंग ही बदल गई, राइट. अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं. ये देखिए, ये सब आपके हैं हिंदी भाषा में यूज होने वाले सारे विराम चिन्ह, और ये सब इनकी चिन्ह हैं. हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह, पूर्व विराम, ये देखिए पूर्व विराम है, अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है, ये विस्मयगी बोधक चिन्ह है, योजक या विभाजन चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, उसके बाद कोष्टक है, ये अपूर्व विराम है, और निर्देशक चिन्ह है, ठीक है. अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 53 पे. पूर्व विराम, ये है आपका पूर्व विराम, को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप. इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के समाप्त होने पर किया जाता है. इस चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है, जैसे कमल पड़ रहा है, सोनिया गा रही है. यहाँ पे पूर्व विराम लग गया, पूरा सेंटेंस हमारा फिनिश हो गया. अब है हमारा अल्पविराम, जो कि हम लोग इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं. इसका प्रयोग निम्न स्थितियों में होता है. वाक्य में आए एक समान पदों में अलगाव दिखाने के लिए, जैसे वरुण कॉमा श्याम कॉमा उदित और प्रयांग बाजार गए. तो यहाँ पर देखिए कॉमा लगाया, मतलब ये बाजार गए, तो यहाँ पे इससे पता चल रहा है. योजक या अन्य पदों का लोप होने पर, जैसे वह वहाँ गया था यहाँ आ ना सका, राइट. ये सब आपके हैं, देखिए इस वाक्य में इसलिए का लोप हुआ है, ये सब है. ये बाकी ये सब पढ़िए. नेक्स्ट है आपका नंबर 3 कौन सा है, अर्ध विराम हो गया आपका, सेमी कोलन. इस चिन्ह का प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब वाक्य पूर्ण होने की स्थिति में हो, किंतु उसमें कोई और बात जोड़ी जा रही हो, जैसे कि जिसके कारण वाक्य पूरा ना हो. बोलते समय इस दशा में पूर्ण विराम से कुछ कम रुका जाता है, जैसे चिराग विद्यालय से आया,
उसने नाश्ता किया, कपड़े बदले और खेलने चला गया। ये सब आपका सेमी कोलन लग लग के यहाँ पे पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट वैसे ये भी उदाहरण है आपका। अब नेक्स्ट है आपका विस्मयगी बोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन है। आश्चर्य, घृणा, हर्ष, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयगी बोधक शब्दों का, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या है, कोई भाव प्रकट करने के लिए हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अरे एक्सक्लेमेशन मार्क, तुम आ गए, आह बहुत दर्द हो रहा है, शाबाश, इसी तरह प्रथम स्थान प्राप्त करते रहो। ये देखिए आपके सब ये चिन्ह ये चार हुए। नेक्स्ट है आपका ये संबोध, संबोधन करने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। असीम, तुम अभी तक नहीं गए, ऐसे है ना, यहाँ पे संबोधन करने के लिए भी, मतलब किसी को किसी का नाम लेके उसको बोलने के लिए भी यहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट है पेज नंबर 64 टर्न करिए। नेक्स्ट है आपका योजक चिन्ह, ये है हाइफन। इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग मुख्य रूप से निम्न स्थितियों में किया जाता है। विलोम शब्द के बीच में राजा, रंग, अमीर, गरीब, बाल, वृद्ध, ये सब मतलब क्या है कि दो चीज़ों को जोड़ने के लिए यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह जो कि क्वेश्चन मार्क है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे कि जब हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं तो अंत में जब सेंटेंस कंप्लीट होता है, कोई प्रश्न कर रहा है, तो हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है आपका ये देखिए आपका क्या नाम है, ये देखिए ऐसे आपका उदाहरण हो गया। उदाहरण चिन्ह ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा जिसे बोलते हैं, ये दो प्रकार का होता है। एक हरा उद्धरण चिन्ह जिसमें दो कॉमा लगे हुए हैं, किसी व्यक्ति के नाम के साथ उपनाम लिखते समय तथा वाक्य के मध्य में किसी पुस्तक, व्यक्ति आदि का उदाहरण देते समय चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मतलब कि सूर्यकांत त्रिपाठी इनका नाम है और इनका जैसे निक नेम क्या है, इनका पेट नेम क्या है, निराला। वैसे नेक्स्ट है आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह, ये हो गया डबल इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं। किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, पापा से घृणा करो पापी से नहीं, ये मतलब कि कोई वाक्य जो कोई कह गया है या कुछ ऐसा मुहावरा टाइप का, उसमें हम लोग इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। कोष्टक आपके ब्रैकेट हो गए, किसी शब्द के अर्थ का स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भगीरथी गंगा अत्यंत पवित्र नदी है। और फिर ये क्या है, अपूर्व विराम हो गया आपका कोलन। इस चिन्ह का प्रयोग उदाहरण या अग्रलिखित का संकेत करने के लिए किया जाता है या नाटक आदि में संवाद से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जब कभी हम नाटक कर रहे हैं, कोई प्ले कर रहे हैं या कुछ भी, किसी को कुछ से बात करने के लिए या कुछ भी ऐसे बताने के लिए क्रिया के दो भेद होते हैं। ये क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। और फिर क्या है, वेदांत डैश, फिर ये मैं कल पिक्चर देखने जाऊंगा, ऐसे। तो किसी को किसी के लिए बोलने के लिए ये यूज़ होता है। अब है निर्देशक चिन्ह जो कि आपका डैश, उदाहरण देंगे या अपनी बात को स्पष्ट करने के का निर्देश देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, डैश लगा कि ये ऐसे कंप्लीट। उसके बाद ये विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम कहते हैं, जैसे दिन और रात। ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 55, एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज कहाँ देखिए, प्रश्न उत्तर, ये प्रश्न उत्तर और आपके एक्सरसाइजेस के जो पीडीएफ है वो आपके टेलीग्राम पे भेज दी गई है, तो आप वहाँ से देख के अपनी नोटबुक्स में निकेंकलिंग हैंड राइटिंग में कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज खा में आइए, दिए गए दशाओं में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वाक्य की समाप्ति पर पूर्व विराम, किसी वाक्य को ज्यों का त्यों लिखने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह, प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय वाचक शब्दों के लिए विस्मयगी बोधक चिन्ह, एक समान पदों में अलगाव दिखाने के लिए अल्प विराम। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज का, दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखो। ये है अर्धगच्छ विराम, अपूर्व विराम, ये देखिए आपके ये बने हुए हैं पिक्चर्स में। ये आपको क्या है कि ये सब इनको आपको नेम मेंशन करने हैं। विस्मयगी बोधक चिन्ह, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह। अब ये है आपका उचित विकल्प, सही टिक मार्क लगाना है। कौन सा वाक्य सही लिखा है, ये वाला, बा, क्या तुम्हें हिंदी आती है,
कौन सा गलत है? ये राधा गीता और रमा, ये जो है ये गलत है। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? ये वाला प्रश्नवाचक चिन्ह, ये है प्रश्न उत्तर वाला, ये सही है, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हुई, ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ। आपको इस वीडियो को दोबारा वॉच करना है, अपनी सारी एक्सरसाइज को और क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है और लेसन को अच्छे से दोबारा रीड करना है, समझना है, पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। थैंक यू सो मच।